नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे 12th क्लास बायोलॉजी का जो हमारे पोर्शन चल रहा था, जिसमें हम फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, अब ये आज यहाँ पे सेकेंड नंबर पार्ट है। और इस सेकेंड नंबर पार्ट के अंदर हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। देखो, चैप्टर का जो नाम था हमारा यहाँ पे, अध्याय नंबर जो हमारा फर्स्ट था, इस फर्स्ट नंबर जो अध्याय का नाम था वो था यहाँ पे जीवों में जनन। इसके बारे में था यहाँ पे जीवों में जनन। अब इस जीवों में जनन का जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये बात की थी कि इसमें हम यहाँ पे अलैंगिक और लैंगिक जनन का कुछ बेसिक हमने पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, वो सबसे पहले हमें यहाँ पे जनन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जनन है या फिर रिप्रोडक्शन है, ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ध्यान में रखना कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव अपने जीवों की या फिर अपने खुद की पीढ़ी को बनाए हुए रखता है और एक नई संतान उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है, यहाँ पे जनन कहलाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि इसमें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि सजीवों के द्वारा अपने ही समान, सजीवों के द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करने को जनन कहा जाता है। ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन बन गई भी रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जीवों के द्वारा या फिर सजीवों के द्वारा अपने ही समान अगर सेम संतान उत्पन्न हो जाए तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पे जनन कहलाता है। या फिर जिस प्रक्रिया के द्वारा नए संतान को उत्पन्न किया जाता है वो यहाँ पे क्या कहलाती है, आपके जनन कहलाता है। अब इसी जनन के अंतर्गत नेक्स्ट हमारे सामने जो डेफिनेशन आती है वो आती है यहाँ पे जीवन अवधि के बारे में। किसके बारे में डेफिनेशन आती है, जीवन अवधि मतलब लाइफ साइकिल क्या होता है। जैसे कि आप अपने खुद के ऊपर या फिर आप लाइफ साइकिल के बारे में नॉर्मल आप जीवन अवधि से क्या समझोगे कि किसी भी सजीव की जीवन से लेकर मृत्यु तक की जो अवधि या फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवधि होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे जीवन अवधि। तो सजीवों में जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहलाती है, जीवन अवधि कहलाती है। ये आपके सामने यहाँ पे जीवन अवधि की डेफिनेशन बन जाएगी कि जीवन अवधि की परिभाषा क्या होगी। तो जितने भी सजीव हैं उनकी जन्म से लेकर जो मृत्यु तक की जो अवधि होती है वो यहाँ पे क्या कहलाती है, यहाँ पे जीवन अवधि कहलाती है। क्लियर है यहाँ पे। जैसे हम बात करें यहाँ पे मगरमच्छ है वो 60 वर्ष तक जिंदा रहता है, तोता है वो 140 वर्ष तक जिंदा रहता है। मतलब मगरमच्छ है वो आपके 60 वर्ष तक जिंदा रहता है। एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे बात कर सकते हैं कि मगरमच्छ 60 वर्ष तक, और जो तोता होता है ऐसा माना जाता है कि ये आपके 140 वर्ष तक जिंदा रहता है। और बरगद है, बरगद का जो पौधा है इसका यहाँ पे लगभग 300 वर्षों तक का जीवन काल होता है। जैसे कि बाजरा गेहूं की बात करें, इनकी 4-4, 5-5 महीने तक आपके जीवन काल होता है। तो वो उनके जीवन से लेकर या फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवधि होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे इनके जीवन अवधि कहलाती है। अब जीवन अवधि के अंदर मान लो कि कोई भी सजीव अगर जनन नहीं करेगा तो उसकी पीढ़ी आगे नहीं बनी हुई रहेगी, उसकी पीढ़ी आगे बनी हुई नहीं रहेगी, उसकी पीढ़ी वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो ध्यान में रखना कि सजीव है वो जनन क्यों करते हैं, तो ध्यान रखना कि सजीव अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए, अपनी उत्तर जीविता को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया करता है। तो ये नोट पॉइंट के तौर पे यहाँ पे ध्यान रख लेना कि जितने भी सजीव है वो जनन क्यों करते हैं, तो सजीव अपनी उत्तर जीविता तथा अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए, जनन करता है। ये बात आपको विशेष तौर से इसमें ध्यान में रखनी है कि सजीव अपनी उत्तर जीविता तथा अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए क्या करता है, यहाँ पे जनन करता है। क्लियर है इतनी बातों। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि सर जो जनन होता है ये कितने प्रकार का होता है, जनन के प्रकार पढ़ेंगे, या फिर इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन,
टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो चीजों को समझना है, रटना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सारी चीजें एक एक चीज यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आपकी रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, कौन कौन सा सर? यहाँ पे एक तो हो जाएगा यहाँ पे अलैंगिक जनन, एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे अलैंगिक जनन, और जो सर एक हो जाएगा उसे हम कहते हैं यहाँ पे लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन के अंदर एग्जाम्पल, सॉरी इसको इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो लैंगिक जनन हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ये आपकी दो चीजें यहां से क्लियर हो जानी चाहिए कि जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो अलैंगिक जनन और एक कौन सा होगा यहाँ पे लैंगिक जनन। अब एक बार सारे स्टूडेंट यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इन चीजों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और क्लियर करने के बाद में एक अलैंगिक जनन वाला जो टॉपिक है इसको हम यहाँ पे एकदम अच्छे से और एकदम डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं एक बार सारी चीजों को यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, और क्लीन करके फिर हम यहाँ पे जो अलैंगिक जनन है इसको हम यहाँ पे एकदम अच्छे से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे अलैंगिक जनन के अंतर्गत, सर अलैंगिक जनन के अंदर होगा क्या और लैंगिक जनन के अंदर क्या होगा, एकदम बेसिक सा मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। एक तरफ हम लेते हैं यहाँ पे अलैंगिक जनन और एक तरफ हम लेते हैं यहाँ पे नॉर्मली लैंगिक जनन, मतलब कुछ बेसिक पॉइंट्स सीख रहे हैं, फिर हम यहाँ पे अलैंगिक जनन को डिटेल से पढ़ेंगे। नॉर्मली अलैंगिक जनन करने वाले जितने भी आपके जीव होते हैं उन जीवों के अंदर ध्यान में रखना समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। आपने 11th क्लास में विभाजन के बारे में पढ़ लिया होगा, तो ध्यान रखना अलैंगिक जनन करने वाले जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों के अंदर जब आपके संतान का निर्माण होगा या फिर आपके युग्मक का निर्माण होगा तो युग्मक के निर्माण के समय समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन इसमें लैंगिक जनन में युग्मकों के निर्माण के समय कौन सा विभाजन होगा, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये लो बेटा यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा, चीज क्लियर है यहाँ तक? तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि समसूत्री विभाजन होगा तो जनक हो जनक के समान ही आपके संतति दिखाई देगी, मतलब जो आपकी संतति बनेगी वो संतति आपके जनक के समान ही दिखाई देगी। तो इसमें ध्यान में रखना समसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न जो संतति होती है, उत्पन्न संतति जनक के समान दिखाई देती है, मतलब हूबहू एकदम कैसे होगी, जनक के समान होगी। लेकिन लैंगिक जनन के अंदर जो भी आपकी संतान उत्पन्न होगी, जो भी संतति उत्पन्न होगी वो जनक के समान नहीं होगी, मतलब कुछ लक्षणों में जनक से क्या होगी, यहाँ पे अलग होगी, आपके जनक के समान नहीं होगी। तो अब अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतति है वो जनक के समान दिख रही है, मतलब जनक की एकदम फोटोकॉपी लग रही है, तो ऐसे में हम इसको यहाँ पे फोटोकॉपी कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, क्लोन कह सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्लोन, ये इंग्लिश वर्ड, या फिर हिंदी में आप लिखना चाहते हो तो ये आपके क्लोन हो जाएगा, क्लोन कहा जाता है। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं होता लैंगिक जनन के अंतर्गत, तो क्लोन वर्ड याद रखना यहाँ से कि क्लोन क्या हो गया, कि क्लोन हो गया भाई यहाँ पे अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति होती है वो क्लोन कहलाती है, क्योंकि वो आपके एकदम हूबहू जनक के समान दिखाई देती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात, अलैंगिक जनन के अंतर्गत ध्यान में रखना एकल जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, संतान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, इसमें एकल जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसमें लैंगिक जनन के अंतर्गत बात करेंगे कि लैंगिक जनन के अंदर दो विपरीत लिंग के जो प्राणी होंगे, दो विपरीत लिंग के प्राणी, इसका मतलब क्या हुआ सर यहाँ पे विपरीत लिंग के प्राणी, इसका मतलब क्या हुआ विपरीत लिंग के प्राणियों का मतलब, एक तो होगा यहाँ पे नर और एक क्या होगा यहाँ पे मादा, दो विपरीत लिंग के प्राणी नई संतान का निर्माण करते, नई संतान का निर्माण करते हैं करते हैं। तो ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन,
अलैंगिक जन्म में समसूत्री विभाजन, लैंगिक जन्म में अर्धसूत्री विभाजन। इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होती है, लेकिन इसमें उत्पन्न संतान जनक के समान नहीं होती है। और इसमें अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है, लेकिन इसमें क्लोन नहीं होगी क्योंकि सेम होती नहीं है। इसमें एकल जीव नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसमें दो विपरीत लिंग के प्राणी नर व मादा नई संतान का निर्माण करते हैं। तो ये नॉर्मल हमने यहाँ पे अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे अलैंगिक जनन को और भी डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। और नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है। वहां से एकदम आपको फ्री हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिलेंगे। मिलते हैं वापस एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।